हेलो गाइस, मेरा नाम है रिया और स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ऐप्स जो हर एक यूट्यूबर के पास होने चाहिए। ये ऐप्स आपके यूट्यूब वाली जो मतलब जो यूट्यूब से रिलेटेड जितने भी काम है उसको आसान कर देगी और बहुत ज़्यादा बेहतरीन करेगी। तो आज के वीडियो में पूरे एंड तक देखने मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत ऐसे ऐप्स बताने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आएंगे, जो मैं खुद यूज़ कर चुकी हूँ और उससे मेरा बहुत फ़ायदा हुआ है। तो उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वो घंटी जो है उसको भी बजाने मत भूलिएगा, क्योंकि उससे आपको मेरे हर नए वीडियो के बारे में बताया जाएगा नोटिफिकेशन के दौरान। और अब चलते हैं आज के वीडियो में। सबसे ज़्यादा मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि YouTube के जो वीडियोस हैं उसको कैसे एडिट करें, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमें फ़ोन पे ही करना है, तो फ़ोन पे एडिटिंग कैसे करें, कोई ऐप्स बता दो जिससे हमें वाटरमार्क भी ना मिले और एडिटिंग भी आसान हो जाए। तो ऐसे कुछ ऐप्स मैं आपको भी बताने वाली हूँ। तो ऐसे मैं आपको तीन ऐप्स बताने वाली हूँ। सबसे पहले है VLLO, ये जो ऐप है इसमें आपको कोई वाटरमार्क नहीं आएगा, आपको इसमें बहुत अच्छे ट्रांजिशंस मिलेंगे, एनिमेशंस मिलेंगे, टेक्स्ट का जो एनिमेशन है वो भी बहुत ही अच्छा है इसमें। आप इसमें फोटोज डाल सकते हैं, वीडियोस को कट शॉर्ट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और बिना वाटरमार्क का। और ये जो ऐप है ये iOS और Android दोनों के लिए उपलब्ध है और बिल्कुल ही फ्री ऐप है। दूसरा जो ऐप मैं आपको बताने वाली हूँ है वो है KineMaster। लेकिन KineMaster में जो है कि इसमें वाटरमार्क आता है, लेकिन इसमें एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। आप इसमें क्रोमा की जो कि ग्रीन स्क्रीन्स होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं एडिटिंग में, और बाकी भी प्रोसेस जो है KineMaster की बहुत ईजी है। आपको अगर यूज़ करने ना आए तो यूट्यूब पर बहुत ऐसे वीडियोज़ है जहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि आपको KineMaster से एडिटिंग कैसे करनी है, ऐसे आप सीख जाओगे। और तीसरा जो ऐप है वो है, सबको पता है, InShot। ये बहुत लोग यूज़ करते हैं YouTube पे। InShot पे भी आपको कोई वाटरमार्क नहीं मिलेगा, लेकिन InShot पे आपको बहुत अच्छे से वीडियो एडिटिंग करने हो जाती है। लेकिन InShot का एक इशू है कि उसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं हैं जो VLLO और KineMaster में है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि VLLO ज़्यादा अच्छा है। तो इन तीनों ऐप्स में से अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं वोट करूँगी VLLO को। और अब चलते हैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स के पास। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़ोन पे एडिटिंग नहीं कर पाते, क्योंकि मैं खुद भी नहीं कर पाती, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मतलब लैपटॉप पे एडिटिंग करना बहुत ही आसान है। तो लैपटॉप के लिए कौन से ऐप्स है या सॉफ्टवेयर है जो आप यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। हाँ, आप हैक्ड वर्जन यूज़ कर सकते हैं जो कि इलीगल है, पर चल जाता है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो आप हैक्ड वर्जन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो अगर आप अच्छे वीडियोस एडिटिंग करना चाहते हो तो कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कि एक तो है फिल्मोरा 9, आई थिंक वो कुछ 5000 तक आ जाता है लाइफ टाइम लाइसेंस का, बहुत ही अच्छा और इजी सॉफ्टवेयर है आपके एडिटिंग के लिए। फिर आता है पावर डायरेक्ट, वो भी बहुत ही अच्छा है, एडोबी प्रीमियर प्रो है। और अगर आप iOS एप्पल के मैकबुक्स यूज़ करते हो तो उनके लिए फाइनल कट प्रो है, iMovie है, iMovie बहुत ही ईजी है। फाइनल कट प्रो थोड़ा बेटर वर्जन हो गया, जैसे हमारे विंडोज़ के लिए हम एडोबी प्रीमियर प्रो यूज़ करते हैं वैसे। तो ये कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स थे जो कि बहुत ही सही है यूट्यूब के लिए, तो आप इनको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ये सारे ही पेड है तो आपको बाय करना होगा और फिर ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगला सवाल जो मुझे बहुत पूछा जाता है वो ये है कि आप थंबनेल्स कैसे एडिट करते हो। तो थंबनेल्स एडिट करने के लिए अगर आपको सबसे बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं तो वो है कैनवा। कैनवा ये जो है ये आप ऐप भी है, आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप आपके लैपटॉप में भी canva.com से इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप थंबनेल्स जो है बहुत ही आसानी से बना सकते हो, बहुत ही ट्रेंडिंग आइडियाज़ इस पर होते हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा कुछ एडिटिंग यहाँ वहाँ करना है, आपके टाइटल डालना है, वरना इस पर थंबनेल्स बनाना बहुत ही आसान है कैनवा की। जैसे ही कुछ और अगर ऐप मैं बताऊँ तो वो है एडोबी स्पार्क पोस्ट, यहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छे आपके जो थंबनेल्स है वो बना सकते हो। अगर आपने थंबनेल बना लिया और आपको अगर उस पर टेक्स्ट डालना है अलग अलग फॉन्ट्स में, तो आप फोंटो करके ऐप है वो यूज़ कर सकते हो। फिर आप यूज़ कर सकते हो पिक्सआर्ट और स्नैपसीड, ये दोनों ऐप आप कोलाज बनाने के लिए पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हो, फॉन्ट्स के लिए आप पिक्सआर्ट यूज़ कर सकते हो। स्नैपसीड पे आप
जो फोटो है आपका उसका लाइटिंग, उसका टेक्स्ट मतलब उसका जो मेन सेटिंग होता है फोटो में, लाइट्स कलर्स जो एडजस्ट करने होते हैं, ये सब आप स्नैपसीड पे कर सकते हो। तो ये सारे ऐप्स मैं यूज़ करती हूँ और वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये ऐप्स आपको यूजुअली दोनों iOS और एंड्रॉयड दोनों पे उपलब्ध है, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब आता है SEO। SEO है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इससे जो है आपकी वीडियो की रीच एंगेजमेंट बहुत बढ़ जाती है और ये सब करने के लिए आपके पास दो एक्सटेंशंस है जो ब्राउज़र एक्सटेंशंस होते हैं, एक है vidIQ और एक होता है TubeBuddy। TubeBuddy का पेड वर्जन भी आता है, आप अनपेड वर्जन से भी बहुत कुछ कर सकते हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको कीवर्ड्स ढूंढने में, ज़रूरी टैग्स ढूंढने में, टाइटल्स कौन से अच्छे हैं, कौन से ज़्यादा कॉम्पिटिशन में, ये सब ढूंढने में बहुत मदद करती हैं। तो ये दोनों आप यूज़ करके आपकी वीडियोज़ की जो रीच है मतलब उनको टॉप पे लाने के लिए जो करना पड़ता है वो आप कर सकते हो। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू ग्रो YouTube चैनल, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको वो ऐप्स बताऊंगी जो आपको जरूरी है YouTube के लिए। अब आते हैं सबसे मेन बात, हम हर कोई आजकल YouTube के जो लिंक है वो Instagram पे डालता है या कहीं और डालता है। तो जब भी हम वो लिंक ओपन करते हैं Instagram के बायो से, तो YouTube का अलग ही पेज खुल जाता है जिसमें लोगों को वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, तो साइन इन करना पड़ता है, जिसके लिए सभी आलसी है, कोई साइन इन नहीं करता। तो आपको ऐसा कुछ मैं बताने वाली हूँ जिससे ये लिंक आप अगर आपके Instagram के बायो में डालते हो तो वो डायरेक्टली आपकी YouTube ऐप में खुलेगा और जो सामने वाला है वो आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, लाइक भी करेगा और शेयर भी करेगा, और उसको साइन इन भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि YouTube में तो हम सभी साइन इन होते हैं ऑलरेडी। तो ये इसके लिए आपको यूज़ करना है URL Genius। अब URL Genius जो है इसमें आपको लॉग इन करना है अपना डिटेल्स डाल के, और यहाँ पे आपका YouTube का जो वीडियो है वो लिंक डाल के इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होता है, डीप लिंक ऐप है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो लिंक है ये डायरेक्टली आपके ऐप में जाके खुलेगी, कोई एक्सटर्नल लिंक नहीं खुलेगा जहाँ पे आपके व्यूअर्स को जाके साइन इन करना पड़े। इससे जो है सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे, लाइक्स भी बढ़ेंगे, व्यूज़ भी डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो अब आते हैं बहुत ही लास्ट और बेहतरीन ऐप पे, वो है कंटेंट के आइडियाज़ को प्लान करने वाला ऐप, मतलब जहाँ पे आप आपके सारे मंथली वीडियोस कैटेगराइज कर सकते हो कि इस महीने में मैं ये वीडियोस डालूंगी, ये वीडियो डालूंगी, जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं वो सब आप वहाँ लिख सकते हो। तो वो है कंटेंट प्लानर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ट्रेलो ऐप। ये ट्रेलो ऐप आप एंड्रॉयड और iOS दोनों पे डाउनलोड कर सकते हो और इसमें कंटेंट प्लानिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मंथली आप ऐसे कंटेंट प्लान कर सकते हो। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आपके पास यूट्यूब स्टूडियो ऐप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब स्टूडियो ऐप बनाया गया है यूट्यूब क्रिएटर्स के लिए ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो, आपका काम आसान हो। तो इसमें क्या होता है कि आपके सब्सक्राइबर्स कितने हैं ये भी पता चलता है, आपके व्यूज़ में व्यूज़ कितने आए हैं, आपका वॉच टाइम कितना हुआ है, आपका रेवेन्यू कितना हुआ है, कौन से ऐड से आपको कितना कमाई मिल रही है, आपकी रीच किस वजह से है, लोग आपके वीडियो को कैसे ढूंढ पा रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब स्टूडियो ऐप पर मिलेगा। ये ऐप बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो अगर आपके पास ये ऐप नहीं है, अभी के अभी इसको डाउनलोड कीजिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऐप है आपके लिए। और सारे ये जो ऐप्स मैंने आपको बताया अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये ऐप आपके पास हो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी यूट्यूबिंग का जो काम है वो स्मूथ हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा होगा और आपकी यूट्यूब के जो ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि यूट्यूब को ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, और तब तक आप इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइज़।